हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मेक कोर्स। व्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत कौन करने वाला है? मैं बस ये स्टार्ट करने वाली हूँ। इसके बाद जो भी आपको क्लिप्स मिलने वाली हैं, बच्चों के हैंडओवर है, क्योंकि बच्चे आ चुके हैं वापस और उन्होंने अपना ब्लॉग वगैरह शूट कर रखा है। कुछ एक दो क्लिप वहाँ की है, बाकी मोस्टली यहाँ का है। फिर उसके बाद वो शादी वगैरह में गए हैं, कुछ उन्होंने वहाँ का ले रखा है, जिसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो शायद ये ब्लॉग ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा हो, पर आप लोग इंजॉय करना। और बच्चों ने व्लॉगिंग की है, मतलब दोनों ने, पवित्र ने और राइनी ने, मतलब दोनों ने व्लॉगिंग की है। तो गाइस, ढेर सारा प्यार देना ब्लॉग को। और तो चलिए गाइस, करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत और आप जुड़ जाइए बच्चों के साथ। हे गाइस, वेलकम आपका दित्या मेक कोर व्लॉग्स में। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मेकअप, हेयर और स्किन केयर की ढेर सारी वीडियो और साथ में कॉस्मेटिक की नॉलेज। और साथ ही साथ आप एंजॉय करोगे फैमिली व्लॉग, शॉपिंग व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स। अगर आप ये सब एंजॉय करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ दित्या मेक कोर व्लॉग्स में। कीप कंटिन्यू, कीप वॉचिंग। मैं तो इसमें डाल देते हैं वाटर। हाय गाइस, तो हम आ चुके हैं मामा से घर पे। अभी आए हैं और ये आती अपनी ड्रेस पहनने लग गई हैं, क्योंकि जो हमें मामा के घर पे हमें एक ड्रेस मिली थी मेरी पहले की थी, तो वो अब रायनी की हो गई, इसलिए वो रायनी से ट्राई करके देख रही थी। और हम आ गए, हम अपना सामान जचा रहे हैं। और नानी ने हमें बहुत सारा सामान दिया था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमें क्या क्या दिया। जली ना, तेरी भी जली ना। गाइस, हमने बहुत मज़े करे थे मामा के, और अब हम अपने घर पे आ गए। अब घर पे आके हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। और यहाँ पे हम रास्ते में हमने बादाम शेक भी पिया था, वो जो कि बहुत टेस्टी था, या सैदपुर का सबसे बेस्ट बादाम शेक है। तो वहाँ पे हमने बादाम शेक भी पिया, उसका इंजॉय किया हमने। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और फिर हम घर पे आए हैं, अब हम अपना स्कूल का काम करेंगे। और फिर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। फिर क्या करेंगे, फिर थोड़ी देर सो जाएंगे। सो अभी तो देखो ये रहनी की पागलपंती चल रही है। ठीक है, तो गाइस आपसे बाद में मिलते हैं, बाय बाय। ये देख सकते हैं गाइस, नानी ने हमें बहुत सारा खाने का सामान दिया है, बुक्स, बड़ा हरामी हो बेटा, पेन पेंसिल सब कुछ लगभग दुकान में से नानी हमें हर हर बार हमें कुछ ना कुछ दे रहे। तो नानी ने इस बार में बहुत सारा दिया था, बुक्स वगैरह हमें दी थी। हाय गाइस, तो अब मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं खा रही हूँ रोटी विद पेठे की सब्जी। और राइन दित्या जो है यहाँ पे ड्राइंग करने लगा है। राइन ने अपने बाल ठीक करी है, उसने एक बहुत ही अच्छी सी ड्राइंग बनाई है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो गाइस ये देखिए, राइन जो अपने बाल ठीक करी है, उसने बहुत ही प्यारी ड्राइंग बनाई है अपने इस बोर्ड पे, बहुत ही सुंदर इसने बनाई है एक नागिन, वो नाइस 5 सिर वाली, बहुत सुंदर ड्राइंग है ये। और जित्या जो है वो अपने ब्लॉक्स के साथ है कि वो ऊपर चढ़ के उस पर खेल रही है। इसके ब्लॉक्स यू कैन सी, दिखा भी रही है आपको। दादी जो है यहाँ पे सो रही हैं, लेटी हुई हैं, ठंड के मज़े ले रहे हैं, ठंडा ठंडा इसी का रूम। दादा सो रहे हैं। सो हम सब तो भाई अपना अपना काम कर रहे हैं। एंड आई एम ईटिंग फूड। सो बाकी का ब्लॉग मैं आपको बाद में दिखाऊंगी।何？お前はもう死んでいる。What? Bro, what are you talking about, man? ポテトになる。アブリッジ。समझ रहे हो ना? ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुखे सुखे सुखे। हाय
गाइस, तो अभी दिन के 3 बजे हैं और मैं बना रही हूँ चाय। मैं चाय बना रही हूँ दादा दादी के लिए। और एक और चीज़ है जो मैं आपको बताती हूँ गाइस, ये देखिए, नानी ने हमें एक नानी ने हमें जूस दिया था और दित्या राही ने अब जिद करी थी पीने की, तो अब मैं उनके लिए जूस डाल रही हूँ। तो मैं इस जूस को सर्व करूँगी अभी। मैंने जूस डाल दिया और मैं उन दोनों को दूंगी। ये लो मेरा वाला, टेस्ट करके बताओ कैसा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस, इन दोनों को तो बहुत अच्छा लगा और दादा दादी को मैं चाय सब करने जा रही हूँ। बाकी के लोग आपको बाद में दिखाते हैं। A few moments later. ये देखिए गाइस, सब कुछ एंजॉय कर रही है। ये यहाँ पारस आ रखा है आज, राहिनी, सब एंजॉय कर रहे हैं। चाचू और मधु सब कहाँ पे खाना पीना चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारी बाटी का बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और वहाँ पे जो है वो बारात आ रखी है, तो उसकी तैयारी चल। तो गाइस, हम यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, पंखे वगैरह सब कुछ, कूलर वगैरह सब लगा हुआ है, लेकिन घर जाना दुल्हन के पास लेके जा रहे हैं वहाँ पे, मतलब शूटिंग हो रही है, दादी और दादा वहीं पे है, तब हम वहीं पे जा रहे हैं और बाकी आपको वहीं पे दिखाते हैं। ये देखिए, मेरी दादी और मेरी बहन दोनों दित्या आप देख सकते हैं ये आ चुके हैं। क्या हुआ दादी, आप वहाँ पे नहीं गए दुल्हन के पास? यहाँ पे दुल्हन आ रखी है, अभी आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, जब हम पास में जाएंगे तब दिखाई देगा। तो अभी के लिए बाय बाय। तो गाइस, फाइनली हम जा रहे हैं अभी दुल्हन के पास हारी करने, बाकी हम आपको अभी दिखा रहे हैं साथ साथ। यहाँ पे बहुत गीला है और हम सब बहुत ही परेशान हो गए हैं बारिश की वजह से। यहाँ बहुत ही कीचड़ है, बट डोंट वरी, वी विल मैनेज। कपड़े भी हमारे बहुत ही गंदे हो चुके हैं, बस अब हमारी बारी आने वाले स्टेज पे। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं स्टेज पे। अभी हम स्टेज पे जस्ट चढ़ रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारा क्राउड है, फोटोशूट चल रही है। तो गाइस, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बहुत क्राउड है। फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे अभी, और अभी हमारी बारी भी जस्ट अभी आने वाली है। तो गाइस, अभी ये सब देख सकते हैं, हमारा दूल्हा और ये दूल्हा। अब हम इन्हीं के पास जा रहे हैं। अंकल जी, अंकल जी, एक फोटो करवा लो। बहुत ही सुंदर हैं दोनों। ये हमारी दादी आ चुकी हैं। ले मधु, दे दे भाई फोटो। ले मधु, मधु ले, मेरी वीडियो बना। Gracias.
जाओ जाओ जीतते रहिए मेरी। तो गाइस हमारी अब चलने की तैयारी हो रही है, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। सभी रेडी हो चुके हैं, सभी रेडी है जाने के लिए और अब हम बस स्टेशन निकल रहे हैं। आपको अभी गाड़ी में खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।